मॉर्निंग क्लास थ्री. सब्जेक्ट इज मैथ्स एंड चैप्टर इज ए मैथ इज मल्टीप्लीकेशन. बिफोर वी स्टार्ट मल्टीप्लीकेशन वी हैव टू लर्न द टेबल्स. वी हैव टू नो द टेबल्स सो दैट वी कैन मल्टीप्लाई, राइट? सो वट इज मल्टीप्लीकेशन? मल्टीप्लीकेशन क्या है? मल्टीप्लीकेशन मीन्स एडिंग और काउंटिंग इक्वल नंबर्स रिपीटेडली. मीन्स नंबर्स को एड करना क्या रिपीटेडली. जैसे यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल लिया है 2 + 2 + 2 + 2 + 2 = 10. तो मुझे यहाँ पर 2 + 2 + 2 करने का टाइम लग जाएगा. सो इसलिए हम क्या यूज करते हैं? मल्टीप्लीकेशन. मल्टीप्लाई यूज करते हैं, ईजी हो जाएगा. जैसे मुझे 2 को 5 times 11 times तो कितना होगा? 5 to 10. ओके, सो वट इज मल्टीप्लीकेट? मल्टीप्लाई एंड प्रोडक्ट. जिस नंबर से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसको बोलेंगे मल्टीप्लाई. जिसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, तो उसको बोलेंगे मल्टीप्लीकेशन एंड द आंसर इज कॉल्ड प्रोडक्ट. ओके, इन मल्टीप्लीकेशन इफ वी मल्टीप्लाई द नंबर्स लाइक 7 × 3 = 21. ओके, एंड अगर इसी को जैसे हमने कहा कि 7 × 3 = 21, तो 3 × 7 = 21. यहाँ पर अगर हम नंबर्स को सेम ले रहे हैं उनको हम इंटरचेंज कर दें बट आंसर्स विल बी द सेम. हियर इफ अ नंबर इज मल्टीप्लाई बाय 0 द आंसर इज 0. यू कैन सी 2 × 0 = 0 एंड 1 मोर इज हियर 8 × 0 = 0. नेक्स्ट इज इफ आई मल्टीप्लाई 1 बाय द नंबर विल बी द सेम. आंसर इज सेम. लाइक हियर 1 × 9 = 9 और अनदर वन इज 13 × 1 = 13. हेयर द कॉन्सेप्ट ऑफ टेंस 100 and 1000. यहाँ पर अगर मैं किसी नंबर को 10 से मल्टीप्लाई करूँ तो क्या होगा? 3 × 10 = 30. जीरोज आर सेम बट द नंबर विल बी चेंज. अगर मैंने यहाँ पर 3 की जगह 6 दिया होगा 6 × 10 तो क्या होगा? 60. इन 100 केस 100 में भी वही जीरोज क्या सेम रहेंगे बट नंबर क्या हो जाएंगे? चेंज. जैसे यहाँ पर 3 × 100 = 300 एंड हेयर 3 × 1000 = 3000. तो हम जितने भी जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे जीरो सेम रहेंगे और नंबर क्या होगा? चेंज होते रहेंगे. आप लोग पहले ही क्लास UKG 1-2 में पढ़ चुके हैं कि हाउ टू मल्टीप्लाई, राइट? हम यहाँ पर थोड़ा सा देख लेंगे. मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू डिजिट नंबर बाय 1 डिजिट नंबर. 2 डिजिट नंबर को हम 1 डिजिट नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे. जैसे 2 × 3 = 6 एंड 2 × 2 = 4. नाउ कम टू मल्टीप्लाई 2 डिजिट नंबर बाय अनदर 2 डिजिट नंबर. 2 डिजिट को हम 2 डिजिट से मल्टीप्लाई करेंगे. सो यहाँ पर आपने देखा है मैंने क्या हुआ है. ओके, तो यहाँ पर क्या था? सिंगल से किया था, सिंगल डिजिट से, तो यहाँ पे हमने ऐड नहीं किया. बट यहाँ पे जब हम सिंगल डबल डिजिट को डबल डिजिट से करेंगे तो पहले मल्टीप्लाई करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, फिर 4 × 22 से करेंगे, देन हम दोनों को ऐड कर देंगे. ओके, नाउ कम टू मल्टीप्लाई ऑफ 3 डिजिट नंबर बाय 2 डिजिट नंबर. 3 डिजिट नंबर को 2 डिजिट नंबर से मल्टीप्लीकेशन. ओके, तो यहाँ पर मैंने 2 से 312 को मल्टीप्लाई किया, देन 3 को 312 से देन ऐड कर दिया. ओके, नाउ कम टू लाइक्स मेथड. ये भी क्या है? मल्टीप्लीकेशन का एक मेथड है बट इट इज वेरी लेंथी प्रोसेस. मल्टीप्लीकेशन का लेंथी प्रोसेस इसलिए हम डायरेक्ट इसी मेथड को करते हैं, पर फिर भी हमें पता होना चाहिए कि मल्टीप्लीकेशन में कौन कौन से मेथड यूज करते हैं. तो इसमें क्या है, मैंने क्या किया, एक बॉक्स ड्रॉ किया स्क्वायर. ओके, तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिया हमने 25 × 71. You can see here a box, square types, then again another. This is first step, this is second step. हम यहाँ पे बीच में से इनको slanting line से draw कर देंगे. Next फिर हम number को split करेंगे 25 upper side में and 71 को side में. Okay, फिर यहाँ पे मैंने किया है जो 7 है first number 71 का, 7 को 5 से करेंगे तो 35 को हम ऐसे लिखेंगे split करके. ओके, फिर 7 को 2 से करेंगे फिर 14, देन अगेन 1 को 5 से, तो 1 जो नंबर है वो यहाँ पे लिखेंगे और 10 का यहाँ पे. तो 1 5 से 5 होता है तो 1 5 है तो 5 पर 10 में कुछ नहीं, तो यहाँ पे ब्लैंक होगा, इसलिए मैंने यहाँ पे 0 लिख दिया. नेक्स्ट 1 2 2. ओके, फिर अब हम उनको
यहाँ पे एक ही बॉक्स है, यहाँ पे ये वाला रो है, यहाँ पे ये रो और ये रो। तो फिर मैंने वन को वन लिख दिया, फिर मेरे को 403 ऐड करना है, यहाँ पे लिखा देन नेक्स्ट 2 + 0 + 5 यहाँ पे देन नेक्स्ट 5। अब दिस 25 × 70 बन गया, सम क्या होगा 1775। तो हियर इज 1775। दिस इज द लेटाइज मल्टीप्लीकेशन मेथड। देन इन योर बुक मेनी वन प्रॉब्लम्स आर देयर, सो आई एम डूइंग वन फॉर यू, दैट इज अ वेटर अर्न्स एन इनकम ऑफ ₹582 पर डे, फाइंड आउट हिज टोटल इनकम इन 12 डेज। ओके, सो वेटर्स इनकम इन वन डे, एक दिन में उसकी इनकम कितनी थी ₹582। सो 12 डेज में हमें फाइंड आउट करना है कि 12 दिनों में कितनी इनकम होगी। सो व्हाट वी हैव टू डू, मल्टीप्लीकेशन, राइट? सो वी हैव टू मल्टीप्लाई 582 बाय 12। यहाँ पे मैंने दिखाया कि कैसे मल्टीप्लाई करना है। ओके, तो इनकम कितनी हुई, ₹6,984 इन 12 डेज वेटर्स इनकम। ओके, यू आर डू, इफ यू डूइंग वर्ड प्रॉब्लम्स, सो प्लीज राइट द स्टेटमेंट। ओके, सो चिल्ड्रन, कंप्लीट द चैप्टर 8 मल्टीप्लीकेशन इन योर कॉपी एंड डू ऑल द वर्ड प्रॉब्लम्स, लेटाइज मेथड, मल्टीप्लीकेशन। ओके, डीज आर वेरी ईजी एंड लर्न द टेबल्स फ्रॉम 2 to 15। ओके, एंड कंप्लीटेड अप टू 141, फ्रॉम पेज नंबर 121 to 141। ओके चिल्ड्रन, थैंक यू।